स्टार प्लस के लव सागा परदेश में है मेरा दिल में अब काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी रीसेंट अपडेट्स में भी बताया था कि कैसे राघव जेल जाता है वीर के साथ हुए उस हादसे के जुर्म में, और उसके बाद नैना के पास बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से आ जाता है एक पार्सल जिसमें जो दिया होता है किसी अनजान लड़की ने, ताकि राघव हो सके बेगुनाह प्रूफ। लेकिन अब कहानी तब घूमेगी और इंटरेस्टिंग मोड पर जब राघव को चल जाएगा पता हरजीत की चाल के बारे में। जी हाँ, अब ये तो आप जानते ही हैं कि राघव जेल से छूटकर आ जाएगा बाहर, और तब इसके बाद किसी एक दिन हरजीत की चाल के बारे में पता चल जाएगा राघव को। इतना ही नहीं, हरजीत से जुड़ी हर वो बात जान जाएगा राघव जो नैना के लिए खतरा बन सकती है। खबरों की माने तो राघव सुन लेगा हरजीत को यान के साथ अपना प्लान डिस्कस करते हुए। इतना ही नहीं, नैना के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग कर रही होती है हरजीत और राघव उसी को सुन लेता है। वेल, अगर ये खबर र्यूमर्स ना होकर सिर्फ खबर है तो जाहिर है कि इस बात से अब अहाना की मौत का सच भी जल्दी ही आ जाएगा सबके सामने, और खास करके नैना और रियान के सामने, क्योंकि हरजीत ने ही मारा था अहाना को, अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। और अब आखिर कैसे हरजीत के खतरनाक प्लान को जानने के बाद अब उन प्लान्स को फ्लॉप कर पाता है राघव, ये देखना होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प। और साथ ही ये भी कि क्या नैना और रियान को बता देगा हरजीत की सच्चाई राघव, या वो दोनों ही राघव पर विश्वास करने से कर देंगे इनकार, ये देखना भी होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू अपने फेवरेट शोज और फेवरेट एक्टर से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर के लिए। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।